हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल के खड़गपुर शहर के सफर पे, जो कि भारत के वन ऑफ द मोस्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटीज में से एक है। ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित है। ये अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स, रेलवे वर्कशॉप्स और अपने IIT के लिए जाना जाता है। खड़गपुर पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो कि 127 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां की आबादी तकरीबन 3 लाख की है। यह शहर समुद्री तल से 61 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों खड़गपुर पश्चिम बंगाल का चौथा सबसे बड़ा शहर है। अगर आपको सड़क पर अधिकतर गाड़ियां WB36 नंबर प्लेट की दिख जाए तो समझ लीजिए आप खड़गपुर में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों खड़गपुर कोलकाता से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ का खड़गपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का चौथा सबसे लंबी प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1075 मीटर की है। इसके साथ साथ ये साउथ वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के खड़गपुर डिवीजन का मुख्यालय भी है। इस शहर की मुख्य नदी कंसाबती नदी है, जो कि इस शहर के उत्तरी छोर पर बहती है। यहाँ 85.26% हिंदू, 12.14% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। आवागमन के साधनों पर नजर डालें तो यहाँ के खड़गपुर रेलवे स्टेशन भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ 12 प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो कि हावड़ा खड़गपुर लाइन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, खड़गपुर बंकूरा लाइन, आसनसोल टाटानगर खड़गपुर लाइन, खड़गपुर पूरी लाइन और कोलकाता सबअर्बन रेलवे लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग की बात करें तो यह राष्ट्रमार्ग 49 और 14 से अच्छी तरीके से जुड़ा है, जिसके द्वारा ये अपने पड़ोसी शहर मेदिनीपुर, जमशेदपुर, कोलकाता और दीघा से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो आप यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में ये जान लेते हैं यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में, जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए, जिसमें आप यहाँ के नेहरू म्यूजियम, जगन्नाथ मंदिर, खड़गेश्वर टेम्पल और लेक पार्क में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शहर पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखकर ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।